होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। ये बात पूर्णतः सत्य है। होने को आज तक कोई टाल नहीं सका है, यहाँ तक स्वयं भगवान भी नहीं। हम अपने जीवन का प्रत्येक कार्य शुभ मुहूर्त देखकर करते हैं, पर आप ये तो जानते हैं, भगवान श्री राम जी का विवाह और राज्य अभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर ही किया गया था। फिर भी ना वैवाहिक जीवन सफल हुआ और ना ही राज्य अभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। ना भगवान श्री राम जी के जीवन को बदला जा सका और ना ही भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन को, ना ही भगवान शिव सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। ना श्री गुरु अर्जुन देव जी, ना श्री गुरु तेग बहादुर जी और ना ही दमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके, जबकि ये सभी अपने आप में समर्थ थे। रामकृष्ण परमहंस जी भी अपने कैंसर को ना टाल सके, ना रावण अपने जीवन को बदल पाया और ना ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थी। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार, समाज, देश और स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। इसलिए सरल रहे, सहज रहे, मन कर्म और वचन से सत्कर्म में लीन रहे। मुहूर्त ना जन्म लेने का है और ना ही मरने का, फिर शेष सब अर्थहीन है। होने को कोई टाल नहीं सकता, इसी पर आधारित एक पौराणिक कथा। एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुण देव के मन में विचार आया कि क्यों ना एक बार पृथ्वी लोक का भ्रमण किया जाए। अपने भ्रमण के दौरान जब गरुण देव भगवान विष्णु के पाटिल पुत्र मंदिर पहुंचे तो उनकी नजर वहां के चबूतरे पर बैठे थर थर कांपते हुए एक कबूतर पर पड़ी। उसकी स्थिति देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रभु के मंदिर के प्रांगण में जहां किसी भी प्रकार का भय नहीं है, वहां धूप में बैठे होने के बावजूद ये कबूतर कांप क्यों रहा है। उन्होंने उस कबूतर से कांपने का कारण पूछा तो उस कबूतर ने पहले तो उन्हें प्रणाम किया, उसके बाद कहा कि प्रभु आपके आने से कुछ समय पूर्व यमराज यहाँ आए थे। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि कल सुबह सूर्य के उदय होते ही इस अभागे प्राणी की मृत्यु हो जाएगी। कल मेरे जीवन का आखिरी दिन है, ये जानकर भला कोई कैसे खुद पर नियंत्रण रख सकता है। इसलिए मैं मृत्यु के भय से डर के मारे कांप रहा हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहता, कृपा कर मेरी प्राणों की रक्षा करें और मुझे इस मुसीबत से बचाए। उस कबूतर की विनती सुनकर उन्हें उसके ऊपर दया आ गई और साथ ही उनके मन ये विचार भी आया कि क्यों ना यमराज को चुनौती दी जाए। उन्होंने कबूतर को अपने विशाल पंजों में दबाया और मंदिर के प्रांगण से दूर एक सुरक्षित गुफा में पहुंचा दिया। मलेगंध पर्वत पर स्थित गुफा को सुरक्षित बनाकर गरुण देव वहां से उड़ चले। वहां से उन्होंने सीधा यमराज की नगरी यमलोक की ओर उड़ान भरी। कबूतर के प्राणों की रक्षा करने की अपनी सफलता के बारे में यमराज को बताने की उत्सुकता उनके मन में थी। वो यमराज को ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने कबूतर के प्राणों की रक्षा करके उनकी योजना को विफल कर दिया है। जब यमराज को पता चला कि गरुण देव स्वयं यमलोक पधारे हैं तो उन्होंने उनका उचित आदर सत्कार करके आसन पर बिठाया और यमलोक आने का उद्देश्य पूछा। तब गरुण देव ने बड़ी शान से उन्हें बताया कि आज जिस कबूतर की मृत्यु होने वाली थी उन्होंने उसे बचा लिया है। उनकी बात सुनकर यमराज मुस्कुराए और चित्रगुप्त से उस कबूतर के बारे में पूछा। चित्रगुप्त महाराज ने अपनी बही में देखकर बताया कि भगवान विष्णु के पाटिल पुत्र मंदिर में रहने वाला कबूतर आज के दिन सूर्य उदय होते ही मलेगंध पर्वत की एक गुफा में वी दंत सर्प का भोजन बनेगा और अभी कुछ समय पहले ही वो घड़ी पूरी हुई है। यह सुनते ही गरुण देव के आश्रय का ठिकाना ना रहा और वे सीधा उस गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सर्प ने उस कबूतर को खा लिया था। ये देखकर उन्होंने बड़ा दुख हुआ कि कबूतर की रक्षा करने की बजाय वो खुद ही उसे मृत्यु के मुंह में पहुंचा आए थे। वैकुंठ लोक पहुंचकर गरुण देव दुखी मन से एकांत में बैठे थे। तब विष्णु भगवान ने उनकी व्यथा समझकर उन्हें समझाया कि जन्म के समय ही मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है और विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं
और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।